प्रधानमंत्री जी को देश का कोरोना दुखड़ा सुनने का समय मिल गया है। देश भर के मुख्यमंत्री अपना अपना दुखड़ा रो रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी अपनी समस्या प्रधानमंत्री को बताई। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि उनके ऑक्सीजन से भरे ट्रकों को दूसरे राज्य रोक लेते हैं, मोदी जी सेना लगाकर दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाइए, और दिल्ली को ऑक्सीजन ना मिले तो वो किस मंत्री को फोन करें, मोदी जी उसका नंबर बताएं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं। प्रधानमंत्री डाल हैं तो केजरीवाल पात पात हैं। केजरीवाल इधर प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, उधर लाइव चल रहा था, देश देख रहा था कि ओ ऐसे होती है मीटिंग, बड़े लोग ऐसी मीटिंग करते हैं। किसी ने मीटिंग में ही दौड़कर प्रधानमंत्री को बता दिया कि मोदी जी केजरीवाल लाइव कर दिए हैं, पूरा देश देख रहा है। मोदी जी ने मीटिंग में ही कहा कि केजरीवाल जी आप जो मीटिंग की बातें लाइव कर रहे हैं ये परंपरा का हिस्सा नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि माफ करिए माय बाप, अगर हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो क्षमा चाहेंगे, बाकी मैंने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा तो दिल्ली बच जाएगी। जैसे दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें, ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। पहले तो सारे चैनलों ने दबा के ये वीडियो दिखाया, उसके बाद प्रोटोकॉल का बाजा बजना शुरू हो गया। बीजेपी सरकार ने कहा कि केजरीवाल ने जो किया है वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, वो नियम विरुद्ध है। बाद में केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि मीटिंग की बातें सार्वजनिक ना करने का हमारे पास कोई सरकारी आदेश ही नहीं था, हमको नहीं मालूम था कि ये देश को नहीं दिखाना है, छिपा कर रखना है, अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है तो माफी चाहते हैं। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, प्रोटोकॉल्स का क्या है, अगर प्रोटोकॉलों का पालन होता तो देश में कोरोना की महामारी आती ही नहीं। जब कोरोना महामारी फैल रही थी तो मोदी जी आपको देश में ट्रंप को बुलाकर टहलना नहीं चाहिए था, ये नैतिक प्रोटोकॉल के खिलाफ था। प्रधानमंत्री जी आपको बंगाल की रैलियों में मास्क लगाना चाहिए था, ये महामारी अधिनियम वाले प्रोटोकॉल्स के खिलाफ था। जब देश तड़प रहा हो और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रैली करते रहे, ये भारतीय संस्कृति में आत्मा को जवाब देने वाले प्रोटोकॉल के खिलाफ है। मैं और पीछे जाऊंगी तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले प्रोटोकॉल्स की बातें होने लगेंगी, पत्रकारों को न्यूज चैनल से निकलवाने की बातें होने लगेंगी, और मैं प्रज्ञा मिश्रा भारतीय संविधान पे भरोसा रखती हूं, किसी प्रोटोकॉल को तोड़ने में भरोसा नहीं रखती। मेरे प्रधानमंत्री मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन दोस्तों देश में प्रधानमंत्री जितना चतुर चलाक एक ही आदमी है, प्रधानमंत्री जितनी बौद्धिक क्षमता वाला भी एक ही मुख्यमंत्री है, और वो है अरविंद केजरीवाल। घूसा मारकर कहते हैं कि सॉरी, दर्द तो नहीं हुआ। एक और बात मेरे भी समझ में नहीं आई कि प्रधानमंत्री जी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग में अकेले मास्क लगाकर बैठते हैं और रैलियों में बिना मास्क घूमते हैं। खैर, चलते हैं।